नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि कल के दिन से ना स्पेक्ट्रम की नीलामी चालू हो रही है। और स्पेक्ट्रम की नीलामी कौन सा हो रहा है, तो 5G स्पेक्ट्रम का हो रहा है, जिसमें ना वोडाफोन आइडिया पार्ट ले रही है। और वोडाफोन आइडिया के साथ साथ कौन कौन कर रहा है, तो जियो भी कर रही है, साथ साथ में इनके जो कॉम्पिटिटर है एयरटेल भी करने जा रही है। तो जियो सबसे ज़्यादा बोली लगा रही है, उसके पीछे एयरटेल लगा रही है। एयरटेल के बाद में जो आ रहा है नंबर, वो वोडाफोन आइडिया का आ रहा है। तो अभी जो ऑफिशियल डेटा रहेगा कल के दिन से हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल से ही बिडिंग चालू होगा। तो अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए, जब से ना फंड रेसिंग की है कंपनी, तब से शानदार रैली देखने को मिला। 13 रुपये से कितना गया, 17 रुपये पर चला गया। उसके बाद में अगर बात करूँ 5G के जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, उसमें फ़ंड चाहिए रहेगा, तो अभी वोडाफोन आइडिया के पास फंड भी कोई कमी नहीं है। और अभी पिछले महीने में भी जो अनाउंसमेंट हो रही थी, न्यूज़ बार बार आ रहा था कि टैरिफ प्राइस, मतलब जो कस्टमर रिचार्ज करता है मंथली ईयरली बेसिस पे, उसका भी प्राइस बढ़ाने वाले हैं। तो अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जैसे वो ऑफिशियल न्यूज़ आ जाता है कि भाई अब वोडाफोन आइडिया प्राइस बढ़ाने वाला है, तो कस्टमर की जेब भले ही टाइट हो जाए, मगर ना कंपनी को फ़ायदा हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए स्टॉक में बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है और आगे भी दे सकता है। तो पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस जो है 17.26 का है, और मार्केट क्लोज कितने पे किया, तो 17.26 पे किया है। तो अभी हमको ना थोड़ा और मूवमेंट हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो है 20 रुपये, एक राउंड नंबर। दूसरा टारगेट हमको रहेगा 25 रुपये तक का, आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए शानदार रैली ऑलरेडी जो है ना अपने इन्वेस्टर्स को इसने दिया है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें ना, तो अपने इन्वेस्टर्स को ना काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पर देखिए 35% का रिटर्न दे चुका है। तो एक मूवमेंट और भी हमको 20 से लेकर 25 रुपये तक का हमको देखने को मिल सकता है। तो बाय सर, कोई रिकमेंडेशन नहीं, चैनल पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद।